अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे और लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट ज़ैम पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और हम सर्च करेंगे wordpress.org। तो ये हमें वेबसाइट पर लेकर आएगा, ये wordpress.org। इस पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो हम अपना सेटअप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड वेबसाइट से। तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने सेटअप डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसी को ओपन करूंगा और हम फर्दर अपने स्टेप जो हैं उनको प्रोसेस करेंगे अपने स्टेप्स को। तो डाउनलोड के अंदर कंप्रेस के अंदर वर्डप्रेस पड़ी हुई है मेरी, इसका वर्जन है 5.5। मैं भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इससे लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा, तो आप उसको डाउनलोड सेम प्रोसेस सेम है इसका इंस्टॉलेशन का। तो आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है इसको कॉपी करने की। तो हम सी के अंदर जाएंगे, जैम के अंदर जाएंगे और एचटी डॉस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आप लोगों ने जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर जैम्प को जो है प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये पेस्ट हो गया फोल्डर, हम इसको रीनेम करेंगे, इसको रीनेम करते हैं, इसका नेम चले मैं चैनल का नेम रख देता हूँ कंप्यूटर। ओके कह रहे आर्टर ये इसका, तो हम इसका नेम कुछ और रख लेते हैं, इस तरह से। ओके तो अब हम अपना रैम्प जो है उसको ऑन करते हैं। अपाचे और MySQL हम इन दोनों को स्टार्ट करेंगे। अब इंस्टॉलेशन से पहले एक स्टेप मस्ट आप लोगों ने करना है, MySQL के एडमिन पे जाकर सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट लाजमी करनी है, क्योंकि जो वर्डप्रेस जो है लोकल होस्ट पे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो डेटाबेस को क्रिएट नहीं करता, फेच जरूर करता है, सर्च करके फेच कर लेता है लेकिन क्रिएट नहीं करता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मैं कंप्यूटर कोड नेम रखता हूँ, इसको क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। ओके डेटाबेस हमारी क्रिएट हो चुकी है, न्यू टैब में आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे हम जो है अपने जो फोल्डर है उसका, अब हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नेम बताएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। ये देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट करते हैं, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे अब हमने अपनी डेटाबेस का नेम डिफाइन करना है, वो हमने रखा था कंप्यूटर को। व्हाट इज़ द यूज़र नेम, यूज़र नेम इज रूट, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नहीं होता तो हम पासवर्ड नहीं रखेंगे। तो डेटाबेस होस्ट कौन सा, हमारा लोकल होस्ट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, और वो यहाँ पे पूछ रहा है कि टेबल की प्रीफिक्स wp_ से स्टार्ट होगी। ओके तो हम इसको सिंपल सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या मैं रन द इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन को मैं रन कर सकता हूँ, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन पे, तो वर्डप्रेस को जो है इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब पूछ रहा है वो आपकी साइट का टाइटल क्या आप लोग रखना चाहते हैं, तो मैं चैनल का नेम रखूँगा, आप कोई भी रख सकते हैं आपकी मर्ज़ी है। अब यूज़र नेम पूछ रहा क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यूज़र नेम भी कंप्यूटर कोड ही रखूँगा। ओके तो वो पासवर्ड पूछ रहा, पासवर्ड हम सिंपल अलग कर देते हैं, ये पासवर्ड बिल्कुल कन्फर्म है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं,
ओके तो इंस्टॉल पर प्रेस करेंगे। जी तो अब ये वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हो चुका है हमारे सामने, अब हम लॉगिन पे आते हैं। ये देखें, हम जब वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे तो हम अगर हम अपनी वेबसाइट देखना चाहेंगे तो सिंपल उस फोल्डर का नेम यहाँ पे रहने देंगे, लोकल होस्ट आगे उस फोल्डर का नेम और इंटर करेंगे तो ये हमारे सामने हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। और जब भी हमने एडमिन साइड पे जाना है तो हम यहाँ पे wp-admin लिखेंगे और इंटर करेंगे। बिल्कुल यही हमारा कंप्यूटर यूज़र नेम था और पासवर्ड देंगे हम एडमिन का, ये wp-admin ये लाजमी याद रखना है आप लोग wp-admin। तो ये हमारी वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ से इसको जो है व्यू कर सकते हैं साइट को। जी तो इस तरह से हम अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।